सत श्री अकाल पंजाब टैन न्यूज़ टीवी विच तुहाडा स्वागत है। पंजाबी साहित्य विचार मंच वालों मोगा के कमरे नछत्र हाल विच बेअंत कौर गिल दे पलेठे नावल मलाहां वर्गे ते संवाद रचाया गया, जिसकी प्रधानगी नावलकार दविंदर सिंह सेखा अते नावलकार मित्र सैन मीत अमरजीत अखाड़ा अवतार सिंह लैक्चरार आदि ने की। इस मौके पर मोगा लुधियाना बरनाला कई होर जिलों के साहित्यकारों के पाठकों ने भी भाग लिया। अज के संवाद दर संवाद प्रोग्राम वख-वख शख्सियतों ने बेअंत कौर गिल की मलाहां वर्गे ते संवाद रचाते हुए इस पेंडू धरातल का अलोप हो रहे रीति रिवाजा रिश्तों की तर्जमानी करते हुए नावल होने की गल की गई है। इस मौके बहुत सारे साहित्यकारों ने नावलकार बेअंत कौर गिल वधाइया देंदे हुए कहा कि बेअंत कौर गिल का नावल मलाहां वर्गे बहुत वधिया नावल है, जिसन जी आया कहना बनता है। अज के इस प्रोग्राम में स्टेज सकत्र के फर्ज परमजीत सिंह चूड़चक ने निभाए। इन्हों तो बिना अज के संवाद प्रोग्राम परचा प्रोफेसर इंद्रपाल सिंह ने पढ़िया, शुरुआत मास्टर अवतार सिंह ने की। हरबंस सिंह अखाड़ा जसविंदर सिंह शिंदा नावलकार मित्र सैन मीत दर्शन सिंह बैरदी लाल सिंह सुलहानी ज्ञान सिंह गुरमेल सिंह बॉडे सुरजीत सिंह दौदर सुखविंदर सिंह मुलापुर अशोक चटानी जसबीर कालसी कहानीकार हरजीत गिल मनिंदर मोगा हरमिलाप गिल भारत अते सबनों जी आया कहा। पेश है इस संबंधी मोगा तो साढ़े पत्रकार प्रगट सिंह राजण की एयरपोर्ट टीवी। मैं हाँ प्रगट सिंह राजना। अच्छ मोगा की धरती से किताब का संवाद कराया गया मलाहां वर्गे बेअंत कौर गिल की किताब का संवाद जरा मोगा के कामरेड नछत्र हाल में करवाया गया। मोगा लुधियाना बरनला होर जिलों के साहित्यकार पाठकों ने इस सैमीनार भाग लिया। बहुत सारे लेखक पाठक मेरे नाल खड़े ने, तस्वीर से तुसी देख सकते हो। तो बेअंत कौर गिल जी जिन्हों का यह पलेठा नावल आया उन्होंने गल करांगे, साहित्यकार साथियों नाल गल करांगे। जी बेअंत कौर जी, सब तो पहला बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत वधिया जी, मेरी वैसे तो यह चौथी किताब है, पर नावल मेरा पहला ही हैगा पलेठा नावल है। तो मैं ये सारियां नूं वधाई दिंदी है ये मतलब इतने गोष्ठी रचाने लई। सब तो वध मैं धन्नवादी हैगी मित्र सैन मीत जी दी, जिन्हां ने पूरी टीम नाल राबता किया, सारे साहित्यकारां नाल ते सारे साहित्यकारां नूं नावल भी पहुँचदे किए और इत्थे गंभीर संवाद रचाउण लई 2 महीने पहलां तो सद्दे देने शुरू कर दिते सी। ते अज जिहड़ा इह संवाद इत्थे होया बहुत ही जिदा सीगा भी सफलता सफल रहा हैगा ये, तो बहुत चंगा लगा। जिहड़ियां गुण सी वह भी नावल के सामने आए हैगे आ, जिहड़ियां कोई कमियां सी वह भी सामने आईयां हैगियां, तो असी उन्हां कमियां नूं भी नैक्सट जिहड़ा नावल मेरा अगला नावल होगा उस दूर करन दी दूर करांगे है ना। तो चंगा साहित जिहड़ा पाठकां दी झोली विच पाया जाऊगा। तो मैं धन्नवादी हाँ सारिआं दी कि उन्होंने इन्ना अपना कीमती समां कढ के ते इन्ना गंभीर संवाद रचाया, जिहड़ी कि इक जिहड़ी इह खत्म हो चुकी सी रीत नूं दुबारा तो फिर जान पाई इहदे विच। दुबारा तो फिर जान पाई ये कहना सी बेअंत कौर गिल दा। साडे नाल मित्र सैन मीत जिन्हां दीआं बहुत सारीआं किताबां आ चुकीआं ने और विशेष तौर पर इस अज दे संवाद विच उन्हां दा विशेष सहयोग सीगा। गल्लबात करांगे मित्र सैन मीत जी नाल। जी मीत साहब नमस्कार। शुक्रिया जी। आपां जिवें होर बहुत सारियां रवायतां पंजाब दीआं टुटदीआं जा रहीआं, इदां ही साहित दे जिहड़े फंक्शन है वह बहुत रवायती हो गए है, महंगे हो गए है, और उहदे विच सन्मान पुरस्कार विशेष मेहमान प्रधानगी मंडल बड़े बड़े ये हुंदे है, फिर शाही पकवान हुंदे है, जिहदे नाल संवाद है जिहड़ा वह नहीं रचिया जांदा। तां असीं पंजाबी भाषा प्रसार भाईचारा साडी इक संस्था है, उहदी इकाई वल्लों एक पंजाबी साहित्य विकास मंच बना के ये संवाद नूं दुबारा पुनर जागृत करन लई ये शुरू कीती है कि लड़ी अच्छियां किताबां जिहड़ियां वी साडे ध्यान च आउंदियां असीं उहनां दी चोण करके चुणवें बंदिआं नूं पहलां भेज के उहनां तों पढ़ा के फिर इस गोष्ठी दे विच बड़े सधारण सादे ढंग नाल एक समोसे नाल ही लोक खुश गए ने। असीं उह सारियां रिवायतां तोड़ के संवाद दी रवायत पाउण दी कोशिश कीती है। सानू खुशी है भी अज ये रवायत है जिहड़ी इहदी शुरुआत बहुत ही वधिया और सारू ढंग नाल होई है। इदां दे असीं होर भी प्रोग्राम महीने दो महीने बाद रचदे रहांगे। धन्यवाद
सर अज की जिहड़ी किताब जिहड़ा सैमीनार सीगा की कहना चाहोगे मोगी की धरती से अलग अलग जिलों चो लेखक आए ने पंजाबी भाषा प्रसार प्रसार भाईचारा वालों ये जो योग उपराला किया गया है इस सारे पंजाब दी देश दे विच ही और दुनिया दे विच भी इस रूह नूं उजागर किया गया है और इस बेअंत कौर गिल की इस किताब मलाहा वर्गे उत्ते नठ के गोष्ठी हुई है जिथों के बहुत दूरों दूरों लेखकों ने अपनिया रैवं दे के इस दियाँ चंगीआं गल्लां और इस विच जो घाटा रहीआं ने उन्होंने भी उजागर किया है और समाजिक सरोकारां नूं नजिठदी अते रिश्तिआं दी पकीज़गी नूं प्रगट करती हुई इस पुस्तक इस नावल उत्ते वधाई दे पात्र हन बेअंत कौर गिल जी। असी समूह लेखकों वालों ते लिखारी सभा मोगा वालों उन्होंने इस गोष्ठी ते विचार चर्चा ते बहुत बहुत मुबारक दिंदे हाँ और आस करते हाँ कि वो अगे तो इस तरह मिट्टी का मोह बड़े रहेंगे। अज दे इस समागम नूं होस्ट कर रहे सरदार परमजीत सिंह चूड़चक उन्हां नाल गलबात करदे हां जी की कहोगे अज दे समागम? अज दे समागम बारे मैं ये कहना चाहांगा कि बेअंत कौर गिल जिहड़ी साडी मोगे की बड़ी सियाणी सुलझी हुई लेखिका है जिहदे वल्लों साहित्यक खेत्र विच जिहड़ियां तीन पुस्तकां अजे आ चुकियां हैगियां ने और बड़ियां वधिया म्यारी रचनावां उन्हां वल्लों पहलां भी लिखियां गईआं हुण भी लिखदे आ। मैं जिवें अज स्टेज ते भी अनाउंस कीता सी कि बेअंत कौर गिल दे अंदर इन्ना कुछ छुपया होया है जिहड़ा उह इक साहित जां लिखणियां राहीं बाहर कढेगी और निकट भविख दे विच उन्हां दीआं होर पुस्तकां भी सानूं देखण नूं सुणन नूं मिलणगीआं और मैं मोगे दीआं समूह जथेबंदियां वल्लों जिहड़े साडे खास तौर ते जगराओं तों जां लुधियाणे तों हरबंस अखाड़ा जी आए हैगे ने और अपना लैक्चरर अवतार सिंह जी आए ने, जसविंदर जी हुणी आए ने, रसपाल चक्कर हुणी आए ने, होर भी बड़े साहित्यकार दोस्त साडे आए ने। मैं उन्हां नूं निजी तौर ते मोगे दीआं साहित्यक समावां वल्लों जी आयां भी कहिंदा और साडे खास तौर ते लिखारी सभा वल्लों ते होर मोगे दीआं सभावां वल्लों भी बेअंत कौर गिल जी नूं उन्हां दे इस नावल ते अपना गोष्ठी होने के बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ और परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि जिहड़ियां आने वाली उन्हां दीआं पुस्तकां जां आने वाली लिखणियां हैगियां और इस तों वधिया इन्हां नूं होर भी लिखण दा बल बख्शे और जिहड़ियां हैगियां अपने मिशन दे विच भी यह कामयाब होवे। बेअंत कौर गिल नूं मेरे वल्लों दुबारा फिर बहुत बहुत बधाई। इह सन सरदार परमजीत सिंह चूड़चक जिन्हां दा कहना सी कि असीं बेअंत सिंह बेअंत कौर दी इस किताब नूं जी आया आखदे हां। साडे नाल फिल्मी लेखक कलाकार ते हुणे हुणे उन्हां दा इक नावल आया है जसविंदर छिंदा जी जगराओं साहित सभा नाल जुड़े हुए ने, आपां उन्हां नाल भी गल्लबात कर लैंदे हां। जसविंदर जी छिंदा साहब की कहना चाहोगे? धन्नवाद जी, बहुत बहुत मैं पहला तो बधाई दिंदा भैन बेअंत कौर जी नूं जिन्हां दा इह नावल बहुत ही प्यारा नावल आ, घरेलू कहानी आ और आसे पासे की कहानी आ सारी, बहुत ही वधिया ढंग नाल उन्होंने इहनूं लिखिया वा ते अज इस ते गोष्ठी रखी गई सी मोगे दे विच, बहुत सार्थक प्रोग्राम सीगा ते सारे विद्वानां ने अपने अपने सुझाव दित्ते आ ते जो विच को कमियां सीगियां उन्हां नूं उन्हां दे रू रू कीता तां कि उह अगे तों इहनूं सुधार सकन। मैं बहुत बहुत वधाई दिंदा कि उन्होंने नावल पाठकां दी झोली विच पाया। अज दे इस प्रोग्राम बारे बस एको गल कहनी चाहांगा कि असी एक दोबारा रीत तोरी तीन चार दहाके तो लगभग खत्म हो गई है पंजाब दे विच वह गंभीर संवाद रचाउण दी, किसी भी किताब के उपर जिन्नी देर पाठकां ते आम लोकां तक जिहड़ी आ उह गलबात जां रसाई नहीं हुंदी असी उस किताब की सफलता जिहड़ी आ उहदा अंदाजा नहीं लगा सकते ते किसी भी लेखक नूं होर दिशा निर्देश देने लई ते चंगा मार्गदर्शन देने लई तो संवाद होना बहुत जरूरी है। वो संवाद का असी आरंभ किया है ते एक होर जिहड़ी है वो गल मैं अपने वल्लों ये दसना चाहाँगा कि यह संवाद का साडा यह पहला सी ते असी मोगा ज़िला दी मोगे दी इस शहर की धरती दे उत्ते असी कीता ते इह लड़ी जिहड़ी आ उह निरंतर रहेगी। असी हर डेढ़ या दो महीने दे विच एक संवाद वो जरूरी नहीं ना बोलते वो सारिया विधावान के हो सकती ने अलग अलग विधावान दुस्तकों से पूरे पंजाब विच नहीं दुनिया के संवाद रचा जी आज शुरुआत की है तो ये लड़ी चलती रहेगी।
इस गल लई अज मैडम बेअंत कौर नूं मुबारक कि उन्हां दी रचना नाल अज इह गंभीर संवाद जिहड़ा आ उह आरंभ बहुत बहुत साडे नाल है गुरमेल बॉडे जी वह भी साढ़े नाल आपां गल करांगे जी बॉडे साहब अज का जो प्रोग्राम साहित विकास मंच वालों होया है उसने सानू गुरशरण भाई की याद दवा दी है वह भी एक तुरदा फिरदा पिंडां विच जिवें नाटक करदा ते साहित जिहड़ा सी मंच सी उस तरह ये पंजाब दे विच उभर दे लेखकां नू एक पछाण पैदा करन वाला मंच है। जिथों तक बेअंत सिंह दे नावल का सवाल है दरअसल बेअंत कौर एक बहुपक्षी शख्सियत है किसान यूनियन के अंदोलन के विच उन्हें बाखूबी जिहड़ा हैगा एक जाबांज भूमिका निभाई है ते जिहड़ा बंदा कहनी ते करनी ते जां जिहदी लेखनी उहदे अमलां दे बराबर है वह जाने ज हमेशा ही शलाघाजोग होंगी है जिहड़ा मलाहां वर्गे लोग नावल है ये साढ़े जिहड़े साथों हत्थां चों रेत वांगू किर चुके रिश्तियां दी तर्जमानी करदा उन्हां मोह दे विराग दी बात पाउंदा ते उस उन्होंने चितविया ते जिहड़ियां साडियां अज दियां समकाली हालतां उम्मीद है कि उन्हां बारे ये भविख विच जिहड़ा नवां जिहड़ी हैगी शाहकार रचना देणगे ते ये मैं ये गल कहांगा कि बेअंत कौर एक मोगा ज़िले की जिस तरह मैं पहला कहा कि दलीप कौर टवाणा वाले जिहड़ी हैगी मशाल इन्हां ने अपने हाथ में फड़ी है अते ए इस दी मशाल दी रोशनी हेठ काफले तुरदे रहणगे इस नाल बेअंत कौर जी नूं इस नावल दी जिहड़ी हैगी अज विचार चर्चा हुई है जां इन्हां नावल सिरजिया उस लई बहुत बहुत वधाइयां। की कर रहे नावलकार दविंदर सेखा जी भी नाल है जिन्हां ने इस अज दे इस प्रोग्राम दे विच प्रधानगी की आ गलबात करदे आ बेअंत कौर दे नावल मलाहां वर्गे ते अज दी अज जो संवाद विच आया गया है बहुत ही उसारू सुझाव भी मिले है और मैडम गिल ने बहुत वधिया नावल लिखिया जिहदी पात्र सारी प्लांट सारा कुछ सलाहण योग है सारे स्रोतियां ने उन्होंने सुझाव भी दिते है जिते कमियां सी उन्हां दी कमियां वाल भी इशारा किया और असी आस करते हैं कि मैडम गिल का नवा नावल आऊगा तो इस तो भी वधिया होगा। जसवीर कलसी जी मैनू बहुत खुशी आ कि बंदा पहला नावल लिखे तो वो इन्नी चर्चा हो चर्चा जिमें अज सर ने गल की मित्र सैन मीत जी ने कि पुराने समय के बच्च जी गोष्ठी होंगी सी वो नठ के गल बात आगे तो अज मैनू वो माहौल पुराना कुछ कुछ महसूस होया ये चंगा पक्ष है एक पहला नंबर दूजा मैं जिमें शुरू गल करता कि पलेठा नावल लिख के तो पाठकों इन्नी पहुँच हो जानी चर्चा हो जानी ये उदी प्राप्ति है उदी कलम की प्राप्ति आदि कलम की शक्ति की प्राप्ति आ ते इन्ना कुछ कहिंदा होया मैं बहुत खुशी महसूस करदा कि चंगी रचना जिहड़ी आ रही आ वो पाठक हैगे हैगे आ लोड़ रचना दी आ चंगी रचना दी आ सो पाठक हैगे आ चंगी रचना की लोड़ है पंजाबी पाठक बेहतर